हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपने प्लेन में तो सफर किया ही होगा, नहीं भी किया है तो भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि वो कौन सी बातें हैं जो एक पायलट या फ्लाइट अटेंडेंट आपको कभी नहीं बताते। दरअसल जब आप प्लेन में होते हैं तो पायलट और फ्लाइट अटेंडेंट आपको कुछ दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन साफ साफ सारी बातें नहीं बताते। ऐसा जानबूझकर किया जाता है ताकि विमान में यात्रियों के बीच भय न फैले और घबराहट में कोई और गलत कदम न उठा दें। मौसम कैसा भी हो, पायलट इससे जुड़ी प्रॉब्लम प्लेन में सवार पैसेंजर्स को कभी नहीं बताते। आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातों के बारे में जिसका पायलट जिक्र नहीं करते। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड और आपको बताते हैं फ्लाइट अटेंडेंट से जुड़ी हुई सीक्रेट बातें। लेकिन दोस्तों, आपसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये नेक काम भी फटाफट कर लीजिए। नंबर वन, दोस्तों अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप फ्लाइट में बिजनेस क्लास, खासकर अगर फ्लाइट में कुछ हो गया और फ्लाइट क्रैश होने की नौबत आ गई तो क्या होगा। दोस्तों ऐसे केसेस में जो लोग बिजनेस क्लास में बैठे होते हैं उनके बचने के चांसेस न के बराबर होते हैं। दोस्तों क्या आपने कभी ये बात किसी फ्लाइट अटेंडेंट से सुनी है? क्या आपने कभी इस तरह की बातें किसी एयरक्राफ्ट कंपनी से सुनी है? नहीं ना। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि बिजनेस क्लास में बैठने वाले खूब पैसा जो देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जगह फ्लाइट क्रैश होते समय सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। एक बार को तो जो एग्जिट गेट के पास बैठते हैं वो बच भी जाएंगे, लेकिन बिजनेस क्लास में बैठते हैं जो उनके बचने का कोई चांस नहीं होता। दोस्तों एक बार इस विषय पे रिसर्च भी हो चुका है और ये प्रूव भी हो चुका है। तो दोस्तों अगली बार जब भी आप फ्लाइट पे बिजनेस क्लास में बैठने का प्लान करें तो एक बार जरूर सोच लें। दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आगे है बहुत कुछ फ्लाइट की कहानी से रिलेटेड खास। नंबर टू, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी फ्लाइट टेक ऑफ करती, टेक ऑफ के समय लाइट कम कर दी जाती है। दोस्तों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण ये भी है कि फ्लाइट के सबसे ज्यादा क्रैश होने की संभावना लैंडिंग या टेक ऑफ के समय ही होती है, और ऐसे में फ्लाइट अटेंडेंट जानबूझकर लाइट कम कर देते हैं ताकि कोई अपनी सीट से उठ के इधर उधर भाग ना सके। वहीं दोस्तों, क्या आपको पता है कि फ्लाइट में क्यों कहा जाता है कि आपसे आप अपना खाना वाला ट्रे लैंडिंग एंड टेक ऑफ के समय खोल लें? दोस्तों इसके पीछे भी बहुत सिंपल सा लॉजिक है और वो ये है कि आप किसी भी हाल में लैंडिंग या टेक ऑफ के समय इधर से उधर ना करें और अपनी सीट पे चुपचाप बैठे रहें। नंबर थ्री, दोस्तों आज मैं आपको फ्लाइट से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये क्या सच हो सकता है। दोस्तों लंबी फ्लाइट में जैसे आप चादर तान कर नींद लेते हैं, वैसे ही पायलट्स भी हवाई जहाज में नींद ले लेते हैं। जी हाँ, आपके पायलट भी सोते हैं। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन ये सच है। दोस्तों ऊंचाई पे एयर पॉकेट बनने की वजह से ऐसा होता है। दरअसल हजारों फीट ऊंचाई के जो नजारे हमें रोमांचित करते हैं, पायलट उनके अलर्ट होते हैं। वहीं ऑटो मोड का ये अब नया ऑप्शन आ गया है। दोस्तों कहा जाता है कि जनरली जो फ्लाइट्स एक देश से दूसरे देश के लिए जाती हैं और जहां 8 से 10 घंटे की जर्नी होती है, तो वहां ये बहुत कॉमन होता है। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है, बट ये भी फ्लाइट के अंदर की एक सच्ची कहानी है। दोस्तों इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि कई बार तो दोनों ही पायलट नींद मार लेते हैं। ये सभी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं ऑटो मोड की वजह से। दोस्तों वैसे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पायलट बहुत ही एक्सपीरियंस होते हैं और वो आपकी जिंदगी के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करते। वैसे ही एक और सवाल कई लोगों के मन में आता होगा कि क्या पायलट भी वही खाना खाते हैं जो कि आम आदमी खाते हैं? जो खाना हमें दिया जाता है वो खाना पायलट्स को कभी नहीं दिया जाता, और ऐसा पायलट्स की सेहत को ध्यान में रख के किया जाता है। अब इसका मतलब क्या निकाला जा सकता है आप खुद समझें। जी बिल्कुल सही सोचा आपने। नंबर फिर दूसरी जगह ट्रैवल करती है, वो लगातार मूव करती रहती है। दोस्तों कहा जाता है कि ये टॉयलेट बस आपको दिखने में ही अच्छे लगते होंगे, लेकिन इनकी रियलिटी कुछ और ही होती है। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसे केसेस आए हैं जहां पर कि पता चला है लोग बीमार हो जाते हैं सिर्फ फ्लाइट का टॉयलेट यूज करने की वजह से। लेकिन दोस्तों ये सच्चाई आपको ना तो कोई फ्लाइट कंपनी वाले बताएंगे और न ही कोई फ्लाइट के अंदर अटेंडेंट। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि पूरी की पूरी फ्लाइट दिन में एक बार ही साफ होती है। जैसे कि जहां आप खाना रखते हो यानी कि ट्रे, जहां आप अपना हाथ रखते हैं यानी कि हैंडल, ये सब ऐसी जगह होती हैं जहां के कीटाणु घंटों जिंदा रह सकते हैं। दोस्तों आपने इबोला बीमारी के बारे में तो सुना होगा, वो भी इसी तरह एक देश से दूसरे देश में फैला था। दोस्तों इतना ही नहीं, जब आप लंबी फ्लाइट में सफर करते हैं तो क्या होता है, आपको सोने के लिए तकिए और चादर दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन कई बार इस तरह की चीजें आपको बहुत बीमार कर देती हैं। दोस्तों लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ मौकों पे ये बिल्कुल बेकार साबित होता है। फ्लाइट अटेंडेंट और एयर होस्टेस आपको डेमोंस्ट्रेट करके बताते जरूर हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन ये मास्क 15 मिनट से ज्यादा काम नहीं करते। इसके बाद ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है जिसके चलते हाइपर वेंटिलेशन की स्थिति बन जाती है। वैसे ये सब बातें आपने इससे पहले तो कभी नहीं सुनी होंगी। दोस्तों आप अपनी राय भी हमें दे सकते हैं कमेंट के जरिए। नंबर सिक्स, ट्रे टेबल फूड रखने, अपना हाथ रखने या लैपटॉप रखने के साथ इस ट्रे का यूज बेबी के डायपर बदलने के लिए भी होता है। इसके अलावा सीट पॉकेट के साथ साथ सेफ्टी बुक में काफी कीटाणु होते हैं, इसलिए बैठने से पहले चेक कर लें कि अच्छे ढंग से साफ सफाई हुई हो, वरना आप बीमार पड़ सकते हैं। दोस्तों ये बातें मैंने आपको पहले भी बताई थी कि फ्लाइट की सफाई दिन में एक बार ही होती है,
और अगर स्केड्यूल ज्यादा टाइट हो तो वो भी नहीं होते हैं। ऐसे में यात्रियों को खुद ही समझना चाहिए कि कैसे अपना ख्याल रखना है। नंबर 7, खुले होते हैं प्लेन के कई नट। जी हाँ दोस्तों, ये बात भी सच है कि प्लेन जब असंभव हो तो आप फ्लाइट में अवॉइड कर सकते हैं कॉफी को। एयरलाइंस के कर्मचारियों पर हुए सर्वे में पता चला है कि कॉफी कंटेनर हर सुबह सही तरीके से साफ नहीं किया जाता, और ऐसा सप्लाई एजेंट की तरफ से होता है जो लापरवाही बरतता है, इसलिए फ्लाइट में कॉफी अवॉइड करें तो अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, और अगर कंटेनर की साफ सफाई अच्छे से नहीं की जाए तो समझ सकते हैं कि उसकी क्या हालत एक दिन में हो जाती होगी। दोस्तों आपको बता दूं कि कई लोग फ्लाइट की कॉफी पीकर बीमार हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। नंबर 9, दोस्तों फ्लाइट के अंदर ऐसा क्या नियम है जिसे यात्री नहीं जानते। दोस्तों आपको बता दें कि फ्लाइट अटेंडेंट को इमरजेंसी एग्जिट दरवाजा खोलने के लिए पहले काफी जांच पड़ताल करनी होती है। इमरजेंसी एग्जिट डोर वाली खिड़की के पर्दे कभी बंद नहीं करने होते। कारण यह है कि इससे बाहर का वातावरण देखने में अगर कोई पैसेंजर ऐसा करता है तो उसे बकायदा चार्ज किया जा सकता है, नहीं तो पैसेंजर को वापस उसकी सीट पे भेजा जा सकता है। दोस्तों कहते हैं ना कि जो चीज बाहर से अच्छी दिखती है वो अंदर से भी अच्छी हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये देखिए ना कि कैसे यहाँ पे यानी कि एयरप्लेन में आपसे कई चीजें छिपा ली जाती हैं। नंबर 10, दोस्तों अंत में आपसे ये कहना चाहूंगा कि कभी भी आप फ्लाइट में ट्रैवल करें तो आप गलती से भी आइस क्यूब की डिमांड ना करें। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। अगर आप आइस क्यूब का इस्तेमाल करते हैं तो समझ लीजिए कि आपको बीमार होने से कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों कहा जाता है कि फ्लाइट्स में कभी भी आइस क्यूब की सफाई नहीं की जाती है, और आपके ग्लास में आने से पहले कई हाथों से आइस क्यूब होकर गुजरते हैं। दोस्तों आपको बता दें, ये भी आपको बीमार करने के लिए काफी है। दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। साथ ही दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये नेक काम फटाफट कर लीजिए।